बहुत बहुत नमस्कार। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, स्वजन हैं, आत्मीयजन हैं, इस शैक्षिक जगत के जितने भी परिवारजन हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिवादन। और साथ ही साथ टीचर एडुकेटर्स जो एक इन दिनों एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में एमर्ज हुआ है, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, उसके जो समन्वयक हैं डॉक्टर सोमू सिंह जी, उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस एक नोवेल आइडिया से इन्होंने सारे एकेडमिशियंस को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करने की कोशिश की है, जो कोशिश वाकई काबिल-ए-तारीफ है, खास करके वैसे समय में जहाँ पर पूरी दुनिया आज अपने अपने घरों में कैद है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और महामना, जिनके हम सभी शैक्षिक संतान हैं, महामना को भी बहुत बहुत नमन। और महामना के जो बगिया के जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी को और जितने भी एकेडमिशियंस, जितने भी पेडागॉग्स, एंड्रागॉग्स, रिसर्चर्स, उन सभी को पुनः पुनः कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत आभार। मैं कह रहा था कि काशी हमेशा से ही सर्व विद्या की राजधानी रही है, और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही डॉक्टर सोमू सिंह जी ने एक इस विद्या की राजधानी में एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश की है, इन सारे लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करके, और पूरे विश्व को, खास करके जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग बाद में जुड़ेंगे भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यही फायदा है कि हम उस कॉस्मोस में स्थापित हो जाते हैं, उस ब्रह्मांड में स्थापित हो जाते हैं, और जब व्यक्ति जब चाहे अपनी गति से, अपने समयानुसार वो उस फैसिलिटीज़ को अवेल कर लेता है, तो ये क्रेडिट डेफिनेटली डॉक्टर सोमू सिंह जी को जाता है। सोमू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीट जो आपका जो सारी एकेडमियाँ में, मैं गौरव सिंह जी को, मैं सुनील उपाध्याय भैया को, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबको पुनः पुनः अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विमर्श है, वो विमर्श जो डिसिप्लिनरी कंसिडरेशंस इन रिसर्च, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और केवल डिसिप्लिनरी कंसिडरेशन इन रिसर्च नहीं, बल्कि एमर्जिंग ट्रेंड्स पे भी हम लोग जिक्र करेंगे। जो अनुसंधान में जो अनुशासनिक विमर्श है, जो विषयगत विमर्श है, जो शास्त्रीय विमर्श है, उन सारे विमर्शों का, और साथ ही साथ जो उदयमान प्रवृत्तियां हैं, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं,
उन ट्रेंड्स को भी हम लोग आज इंटरेक्शन के माध्यम से, एक रियल कंस्ट्रक्टिविज्म के माध्यम से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे रादर देन नॉलेज को इंस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि जो इमर्जिंग ट्रेंड है वो कंस्ट्रक्टिविज्म का है। कहा जाता है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन रिसीव्ड। हमें इंस्ट्रक्शनिस्ट की अपेक्षा हमें अब कंस्ट्रक्टिविस्ट बनना होगा। और यूजुअली हमने जो ये विमर्श चयन करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि आज विश्व बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, हम बहुत ही पेंडेमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं, आज पूरे मानवता के समक्ष बहुत ही संकट खड़ा है। हम जानते हैं कि हर एक संकट का समाधान है और इसका भी समाधान होगा, लेकिन समाधान के लिए हमें कोलैबोरेशन के साथ इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और हम सभी लोग समाधान ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, डेफिनेटली हम लोग ढूंढ भी लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने का जो तरीका है या जो प्रोसेस है उसको हम अनुसंधान कहते हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं। और आज की जो दशा और दिशा है, इस समस्या जो हमारे सामने जो एमर्ज हुई है उनके साथ साथ हम यदि देखें तो हमारी आधुनिक शिक्षा ही समस्त आपदाओं की जननी है। आज हम जो भी समस्या से ग्रसित हैं, हमने नेचर को हार्म किया है, हमने अपने आप को हार्म किया है। और इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन कंडीशन से हम कैसे गुजरें। और हमने ह्यूमन रिसोर्स को रिसोर्स की संज्ञा दी और हम जानते हैं कि रिसोर्स का मतलब है कि एक डेफिनेट ब्लूप्रिंट पे उसको डेवलप करना। लेकिन मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स के बदले हमें ह्यूमन पोटेंशियल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल में इनफाइनाइट डेवलपमेंट की गुंजाइश है, अनगिनत गुंजाइश है और हमें उसे समझना चाहिए। जब हम ह्यूमन पोटेंशियल की बात करते हैं तो ह्यूमन पोटेंशियल डेफिनेटली हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग बहुत ही क्रिएटिव बीइंग है और उस क्रिएटिविटी की वजह से हमने प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन आज ये एक बहुत सही वक्त है जहां पे हम अपने पूरे शिक्षा को, पूरे अनुसंधान को, नॉलेज जनरेशन के प्रोसेस को हम रीडिफाइन करें, हम रीएस्टैब्लिश करें। अनुसंधान के बिना, ज्ञान रचना के बिना वर्ल्ड के न्यू डायमेंशंस जितने भी हैं हम उनको नहीं समझ सकते। आज टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं और देखिए टेक्नोलॉजी का ये कितना खूबसूरत उपयोग है कि आज हम सभी लोग अपने घर में बंद रह करके भी हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी जब प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए जब यूज़ होता है तो उसका एक ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। कहने का अर्थ यह है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका हम उपयोग कैसे करें,
तो जितने भी डिसिप्लिनरी कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को, उन अनुशासनिक विमर्श को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यदि हम देखें तो दुर्भाग्य से जानने के बहुत सारे तरीके हैं और सौभाग्य से भी जानने के बहुत तरीके हैं, लेकिन यदि हम देखें तो जानने के बहुत सारे तरीके में एक टेनासिटी है। टेनासिटी का मतलब है कि जो ऐसे बिलीफ जो सदा से चलता आ रहा है उसमें हम कभी इंट्रोगेट नहीं करते, और इंट्रोगेशन करते भी हैं तो हमें शायद उस किसी पॉजिटिव निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाते और उससे हम चिपकना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम मानते हैं कि ये बिलीफ है और ये बिलीफ ऐसे ही चलता रहता है, जैसे प्रत्येक रिलीजन का, प्रत्येक सेक्ट का अपना अलग अलग बिलीफ है और उस बिलीफ से हम स्टिक रहते हैं, हम चिपके रहते हैं। टेनासिटी के अलावा यदि हम देखें तो अथॉरिटी, अथॉरिटी भी एक जानने का तरीका है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स या उससे पहले भी बहुत सारे फिलोसोफर ने, बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों ने जानने के बहुत सारे तरीकों पे उन्होंने शोध किया है कि हम जानते कैसे हैं। बहुत सारे मेटाकॉग्निशन पे उन्होंने वर्क किया है, और हम जानते हैं कि मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि कॉग्निशन का कॉग्निशन करना, संज्ञान के बारे में चिंतन करना कि हम कैसे सोचते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं, इसके बारे में चिंतन करना। तो एक तरीका टेनासिटी का है, दूसरा तरीका ऑथोरिटी का है। ऑथोरिटी का मतलब है कि इफ वेदाज से शो दैट्स वाई इट्स करेक्ट, यदि वेद ये कह रहा है तो इसलिए ये सही है, क्योंकि वेद को हमने एक ऑथोरिटी माना हुआ है। कुरान से सो दैट्स वाई इट्स करेक्ट, बाइबल से सो दैट्स वाई इट्स करेक्ट। एक नोटेड फिजिशियन, नोटेड फिजिसिस्ट यदि कहते हैं तो हम मान लेते हैं, एक रेनाउंड प्रोफेसर यदि कुछ कहता है तो हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो नॉलेज की अथॉरिटी उनके पास है और जो वो कहेंगे वो सही ही कहेंगे। टेनासिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी के बाद एक और हम लेते हैं अप्रायरी। अप्रायरी जो है वो डेफिनेटली हम तर्क के माध्यम से नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रेशनलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि तर्क हमारे लिए एक नॉलेज का बहुत बड़ा टूल है। तर्क हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो डिडक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो इंडक्टिव फॉर्म में हो, आगमन के तरीके हों, निगमन के तरीके हों, या ट्रांसजक्टिव फॉर्म में हो, या कभी कभी एबडक्टिव फॉर्म में हो, हम बहुत सारे तरीके से लर्न करते हैं और हमारी लर्निंग कंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन पे चलती रहती है। तो एक नॉलेज है, नॉलेज विद रीजन, नॉलेज विद लॉजिक। एक दूसरा तरीका है अपोस्टेरियरी। अपोस्टेरियरी जो है वो नॉलेज विद एक्सपीरियंस, कि जब तक हमें खुद अनुभव नहीं होता तब तक हम उसको सही नहीं मानते, यानी कि अनुभव एक बहुत ही, हम कहते हैं कि अनुभव, अनुभव जो है हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। इसीलिए जितने भी लेटेस्ट पैराडाइम हैं उसमें हम बच्चों के अनुभव पे ज़्यादा जोर डालते हैं। जितने भी आप नेशनल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स देखें जो पेडागॉजिक सर्कल में विद्यमान हैं, जो एंड्रागॉजिक सर्कल में विद्यमान हैं, वो कहते हैं कि आपको अनुभव देना चाहिए और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वैसा ही जैसा एक अश्व या हॉर्स का जब हम मीनिंग बताते हैं किसी को तो हम कहते हैं कि डिक्शनरी कंसल्ट करो, लेकिन मैं क्या आपसे पूछता हूं कि क्या हॉर्स का मीनिंग या अश्व का मीनिंग डिक्शनरी में विद्यमान है? तो मैं कहूंगा नहीं, वो विद्यमान नहीं है, क्योंकि अश्व तो या तो जंगल में हमें उसके अर्थ को ढूंढने होंगे या अस्तबल में ढूंढने होंगे। डिक्शनरी तो केवल एक
समानार्थी अर्थ को बता देगा, समानार्थी शब्द को बता देगा, तो वो समानार्थक ढूंढने के लिए वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उससे हमें डिनोटेशन तो मिल सकता है, लेकिन हमें कनोटेशन नहीं मिल सकता है। कनोटेशन का मतलब होता है कि जब एक्सपीरियंस से जब हम एडिशनल मीनिंग को शेयर करते हैं, और हम जानते हैं कि रिसर्च एक केवल डिनोटेशन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कनोटेशन का भी प्रोसेस है, कनोटेशन को एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है। और उसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि एक जो सबसे हम सफिस्टिकेटेड मेथड मानते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट जो मेथड है जिसको हम साइंटिफिक इंक्वायरी भी कहते हैं, और साइंटिफिक इंक्वायरी को रिसर्च से हम ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, जबकि रिसर्च केवल साइंटिफिक इंक्वायरी से नहीं बल्कि बहुत सारी विधाएं ऐसे भी हैं जिससे हम अपने अंतःकरण को भी जानते हैं, और उसके लिए साइंटिफिक इंक्वायरी बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है जिसने हमें बेनिफिट करने के बजाय हमारा अहित बहुत ज़्यादा किया है, हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स क्रिएट किए हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए कोई कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो इस नेचर के लिए ज़रूरत है। केवल हम अपनी उत्सुकता के आधार पे न जाने हम अपने डिस्ट्रक्शन के लिए हमने बहुत सारे हथियारों का जखीरा डेवलप किया हुआ है, और पूरी दुनिया कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेवलप करते हैं, अंधी दौड़ में हम पड़े हुए हैं। तो क्या जानने के तरीके में चेंज होना चाहिए? क्या सेग्रीगेटेड मॉडल ऑफ नोइंग पे ही हमारा बिलीव होना चाहिए, या जो मेथड ऑफ नोइंग हो वो इंटीग्रेशन का के आधार पे हो, कोरोबोरेशन के मेथड पे हो, कोलैबोरेशन के मेथड पे हो, कैसा हो? और इस विमर्श में आज हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो पूरे मानव इतिहास को या इस ब्रह्मांड के इतिहास को यदि हम देखें तो हमें एक डिसिप्लिनरी जो कंसर्न्स हैं उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, और हमें बहुत ही फाइन ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, और उस फाइन ऑब्जर्वेशन में हम पाएंगे यदि हम बहुत ही माइन्यूटली, यदि हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक तरीके से यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली हम पाएंगे कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को यदि हम देखें तो बहुत सारे रेवोल्यूशन में बांट सकते हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशन से हुए। लेकिन हम बाद में भी देखेंगे, चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, विमर्श करेंगे कि रेवोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन सॉल्यूशन है। रिवोल्यूशन क्यों? रिवोल्यूशन का मतलब है कि हम केवल गोल गोल घूमते रहते हैं, और हम जानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन में यदि डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो हम एक बिंदु से चलते हैं और दूसरे बिंदु पे फिर से पहुंच जाते हैं, और हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, जब हम अपने ब्रेन को ग्रेजुअली इस एनवायरमेंटल कंडीशन से हम ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप करते गए, हमने फायर से लेकर के, हमने अपने रहने के तरीके से लेकर के, हम अपने खाने के तरीके से लेकर के, हम लोगों ने बहुत ही ध्यान दिया इस पे। और उसके बाद हमने देखा कि एक कंफर्टेबल लाइफ को जीने के लिए जो जो भी तरीके हो सकते हैं उन तरीकों को हमने इजाद करने की कोशिश की, और हमने एक लेवलिंग कर दी। और इस पीरियड से इस पीरियड तक हमने देखा कि हमने अपने मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हम लोगों ने प्रयोग किया। जब हम खाने को भी तरस जाते थे, हमें शिकार करना पड़ता था, लेकिन हमारे लिए बहुत कष्टप्रद लाइफ था। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी जो रेवोल्यूशन है, ये जितने भी रेवोल्यूशंस हुए वो, या टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार जो किया गया वो लेजियस पर्सन द्वारा किया गया,
दुनिया के सबसे आलसी लोगों ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, क्यों? क्योंकि हम मैनुअल कार्य से बचना चाहते थे। इमेजिन कीजिए कि आज हम अपने बिस्तर से उठ करके मैनुअली टेलीविजन के चैनल्स को चेंज नहीं करना चाहते। तो कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इज द इन्वेंशन ऑफ लेजियस पर्सन, और ये एक आज भी यदि देखा जाए तो आज रेवोल्यूशन की स्थिति, यदि हम अर्थ के भी रेवोल्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं कि अर्थ एक खास पोजीशन से चलती है और एक खास पोजीशन पे आ जाती है, और जो ऋतु में परिवर्तन होते हैं, जो हमारी ऋतुचर्या जो डिसाइडेड होती है, वो डेफिनेटली वो उस रेवोल्यूशन का आउटकम है। तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद यदि हम देखें, हमने अपने मस्तिष्क पे बहुत जोर दिया और मस्तिष्क को विकास करना स्टार्ट किया, हमने अनुसंधान के नए नए दायरे ढूंढे। उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने एक परमानेंट सेटलमेंट दिया हमें, और परमानेंट सेटलमेंट ने हमारे लाइफ को आसान कर दिया, और उसी कल्चर से, एग्रीकल्चर से कल्चर शब्द की भी उत्पत्ति हुई है, जिसको हम कहते हैं कि ये फार्मिंग से रिलेटेड है, ये टिलिंग से रिलेटेड है। जो हम कहते हैं कि बार्बरिक लाइफ से सिविलाइज्ड लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, और उस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने हमें एक जीवन जीने का नया आयाम दिया, विश्व का परिदृश्य बदल गया। उसके बाद यदि हम देखें तो जो रेवोल्यूशन का पार्ट है वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने लिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे वैज्ञानिक क्रांति हुई, और वैज्ञानिक क्रांति में यूजुअली हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारे डिस्कवरीज हम लोगों ने किए, और उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पैदा किया। ये देखिए किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, नॉलेज का किस तरीके से जो गैदरिंग प्रोसेस है या जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, कैसे जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को रिवॉल्व किया, अपने आप को इवॉल्व किया उस प्रॉब्लम के दायरे में, उसके बाद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, ये सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जितना हमारा हित किया उससे कहीं ज्यादा हमारा अहित भी किया, और आज हमने नेचर से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने नेचर से उतना लिया कि जितना शायद जरूरत नहीं थी। नीड को हमने ग्रीड में कन्वर्ट कर दिया, और नीड बेस्ड सोसाइटी से ग्रीड बेस्ड सोसाइटी हो गई, और आज सारी समस्याओं का जड़ वही है। तो क्या इस परिस्थिति में हमें अपने रिसर्च के पैराडाइम को, इन सारे रिवोल्यूशनरी पैराडाइम को, क्या इवोल्यूशनरी पैराडाइम में चेंज करने की जरूरत नहीं है? तो शायद मेरे विमर्श में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को रखना पड़ेगा, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब है सदा के लिए आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना, लौट करके नहीं आता। ह्यूमन बीइंग यदि हम देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यदि ऑर्गेनिज्म के, यदि इवोल्यूशन की हम चर्चा करें तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मिलते हैं कि कैसे मत्स्य अवतार से लेकर के किस तरीके से सारे जितने भी अवतार हैं, चाहे वो वामन अवतार के रूप में हो, नरसिंह अवतार के रूप में हो, परशुराम अवतार के रूप में हो, वो राम अवतार के रूप में हो, कृष्ण अवतार के रूप में हो, यदि आप इसको सिक्वेंशियली रखिए तो आपको लगेगा कि वो एक बहुत ही इवोल्यूशनरी का बहुत बड़ा मॉडल है। और केवल इवोल्यूशनरी का मॉडल ये हम क्लेम करते हैं कि ये केवल डार्विन ने दिया, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि इवोल्यूशनरी का मॉडल, ये विकासवादी मॉडल न जाने कब से चला आ रहा है, कब से हम लोगों ने इस सभ्यता और संस्कृति को समझने की कोशिश की है। और हम जानते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट जो कंसिड्रेशन है या जो कंसर्न्स हैं, ये हमारे लिए आज उस मत्स्य अवतार से लेकर के जो कृष्णा अवतार और उससे ऊपर
जो एक सुपर ह्यूमन बीइंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, सुपर माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन सुपर माइंड कंस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। क्योंकि जैसे जैसे अब अवतार का भी सीक्वेंस देखते होंगे तो उसमें उतनी ही करुणा, उतनी ही ममता, उतना ही प्यार, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इवॉल्व किया है। आप यदि देखेंगे तो नरसिंह अवतार में एग्रेशन ज़्यादा था, परशुराम अवतार में भी एग्रेशन ज़्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली जैसे वो राम और कृष्ण पे आए तो एक इवोल्यूशनरी का मॉडल बहुत ही पीसफुल होता गया। नॉलेज जनरेशन का भी और इवोल्यूशन का भी मॉडल उस नेचर के इवोल्यूशन के तादात्म्य में होना चाहिए। और वहीं से एक खास तरीके से, खास तरीके का जो डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हम किस तरीके से नॉलेज को, नॉलेज जनरेशन को हम रीडिफाइन करें, हम उसको डीडिफाइन करें, हम उसको डिफाइन करें। और इसी बात की चर्चा यदि हम देखें तो आपने गौर किया होगा जितने भी एडुकेशन के यहाँ पे जितने भी पेडागॉग्स, एंडागॉग्स, एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि रिसर्च को, लर्निंग को रीडिफाइन करने के लिए कि 21st सेंचुरी में एडुकेशन का मॉडल क्या होना चाहिए, क्योंकि 20th सेंचुरी ने बहुत सारे जेनोसाइडल्स वॉर्स देखे, ऐसे वॉर्स जिसमें नरसंहार हुआ। और आज के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यदि हम देखें तो आज भी वही नरसंहार की स्थिति बनी हुई है। उस समय में ये था कि उस समय में फिजिकल वेपन से हमने नरसंहार किया, और आज एक ऐसा वेपन है जिस वेपन जो अदृश्य है, इनविजिबल है, और वो हमारे लेबोरेटरी की उपज है, वो हमारे साइंस की उपज है। नेचर ने इसे प्रोड्यूस नहीं किया। हमारे आज के जो मॉडर्न साइंटिफिक जो ट्रेडिशंस हैं, उस ट्रेडिशन ने इसको नए तरीके से, इस नरसंहार की जो स्थिति बनी हुई है, आज हमें इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है। तो क्या अनुसंधान या शोध का विमर्श इस पेंडेमिक के दौरान, और इसके बाद यदि लॉकडाउन या ये पेंडेमिक से यदि हम उबर जाते हैं, उबरने की हिम्मत भी रखते हैं और उबरने की शायद आशा भी रखते हैं, लेकिन गॉड नोज, नेचर नोज कि उसका क्या ग्रैंड प्लान है, उस कॉस्मोस में क्या प्लान चल रहा है। लेकिन हम आशा करते हैं कि यदि स्थिति सामान्य हुई तो हमें पूरे एडुकेशनल पैराडाइम को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। यह एक बैकग्राउंड है इस विमर्श का कि आज इस टॉपिक पे या इस विमर्श पे आज हम क्यों एकत्रित हैं। जब हम ये देखें तो एक यूनेस्को का भी रिपोर्ट, जो हमेशा मैं कोट करता हूं, साइट करता हूं, मेरे लिए बहुत ही वो प्रिय डॉक्यूमेंट है और मैं उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। और लर्निंग द ट्रेजर विद इन में डेलर्स रिपोर्ट, जिसको कहते हैं जैक्विस डेलर्स रिपोर्ट, जिसमें चार जो डायमेंशंस हैं, चारों डायमेंशंस में सबसे पहले देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, लर्निंग टू नो। मीन्स क्या, ये रिसर्च यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि जीवन को जीने के लिए सबसे पहले हमें रिसर्च कैसे किया जाना चाहिए, नोइंग कैसा होना चाहिए, नोइंग का मॉडल कैसा होना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंसेस क्या होने चाहिए, ज्ञान मीमांसा कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से ज्ञान को, कौन से मॉडल को हमें ऑप्ट करना चाहिए, यानी कि पहला जो डायमेंशन है वो लर्निंग टू नो का है। उसका बहुत ही विशद अर्थ है, उसका बहुत ही व्यापक अर्थ है। और लर्निंग टू नो जो है वो कंप्लीटली जो बेस्ड है हमारे रिसर्च पे, हम अपने आप पे रिसर्च करें, हम पहले जानें कि कैसे हम सीखते हैं, इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है, यानी कि ये मेटाकॉग्निशन का पार्ट है, लर्निंग टू नो। इसके बाद लर्निंग टू डू, हम केवल ज्ञान अर्जित करके नहीं, हम उसे करके भी टेस्ट करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मॉडल इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हम जानते हैं कि जिसको हम केवल सुनते हैं विस्मृत हो जाता है,
हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा याद रहता है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। यानी कि जो इनएक्टिव मॉडल है, और उसको बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने उसको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया, कि सबसे पहले इनएक्टिव मॉडल ब्रूनर भी कहते हैं, जितने भी हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स उनको उन्होंने रीवैलिडेट करने का काम किया है, कि इनएक्टिव मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल और आइकॉनिक मॉडल। आइकॉनिक मॉडल जो इनएक्टिव मॉडल है, इनएक्टिव मॉडल एक हमारे माइंड में आइकॉन क्रिएट करता है, और वो आइकॉन हमारे माइंड में एक सिंबॉल क्रिएट करता है। सिंबॉलिक जो है वो सबसे लीस्ट इफेक्टिव है, इनएक्टिव मॉडल सबसे ज्यादा, इसलिए लर्निंग टू डू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लर्निंग टू लिव टुगेदर, हम ऐसा जाने, हम ऐसा करें कि सहयोग की भावना का विकास हो। रिसर्च का मॉडल इस तरीके से होना चाहिए, कोलैबोरेशन के मॉडल पे होना चाहिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर के मॉडल पे होना चाहिए। उसके बाद लर्निंग टू बी, ये सबसे हम अपने अंदर के जो सेल्फ, हमारे अंदर का जो सेल्फ है, हम सेल्फ इंजीनियरिंग करें, हम इनर इंजीनियरिंग करें। आउटर इंजीनियरिंग तो बहुत ही एटर्नल नहीं है, उसमें एटर्निटी नहीं है। सबसे पहले बाहर का नेचर और अंदर के नेचर में तादात्म्य होना चाहिए, और ये रिसर्च के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी कि ये जो बाहर का नेचर है और जो हमारे अंदर का जो नेचर है उसमें कितना रिजेंबलेंस है। इस रिजेंबलेंस को डिफाइन करने के लिए हमें आज एक नए तरीके के नॉलेज के पैराडाइम की जरूरत है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, और जितने भी इस तरीके के मॉडल हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। डीकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि डी लर्निंग के बाद ही री लर्निंग हो सकती है और लर्निंग हो सकती है। हमारे माइंड में जितने भी कूड़े, गार्बेज जो है पड़े हुए हैं, उनको हटाना पड़ेगा, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चारे चारों मॉडल्स पे, चाहे लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, इन सभी को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने मॉडल में, और शायद इस मॉडल के आधार पे फिर हम बहुत ही एक विकास और जो जीवन दोनों का ही लक्ष्य क्या है, एक सस्टेनेबिलिटी, विकास भी सस्टेनेबल होना चाहिए, लाइफ को भी सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, और इसके लिए एक ही उपक्रम है, तो वो रिसर्च का उपक्रम है, वो जानने के तरीके का उपक्रम है। उसके बिना हम बिल्कुल एक नया ब्रह्मांड क्रिएट नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का मतलब केवल फिजिकल नहीं, हम जो जो एक जो नेचुरल जो एक सोसाइटल जो एक फ्रेमवर्क है, उस सोसाइटल फ्रेमवर्क को भी रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सेपियंस, जो हरारी की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है नवाल हरारी का, जिसमें हमने देखा है और बहुत ही ब्यूटीफुली उन लोगों ने उन्होंने कोट किया है कि किस तरीके से हिस्ट्री का टाइमलाइन है। हिस्ट्री का टाइमलाइन को यदि हम देखें तो हमें डिसिप्लिन किस तरीके से एमर्ज हुआ है, इसको उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली कोट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 13.5 बिलियन ईयर्स पहले मैटर और एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ। और मैटर और एनर्जी को हम किस विषय में पढ़ते हैं? डेफिनेटली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और उस मैटर और एनर्जी के संयोग से, और या उसके वियोग से, उसके एसोसिएशन से और डिसोसिएशन से, एटम और मॉलिक्यूल का आविर्भाव होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसका। और जब एटम और मॉलिक्यूल का जब एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन बनता है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और लाइफ ऑर्गेनिज्म जिसका हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो 13.5 बिलियन ईयर्स जिसमें मैटर और एनर्जी का की उत्पत्ति होना, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषय का जो
आउटलाइन है या जो उसका सब्जेक्ट मैटर है इसको ये करना। उसके बाद 4.5 बिलियन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ, जो 4.5 जो बिलियन ईयर्स एगो जो ये फॉर्मेशन ऑफ जो अर्थ है उसका एक ये होना, और उस प्लैनेट अर्थ पे नए जीवन का विकास होना 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, और फिर 70,000 ईयर्स बिफोर जो होमोसेपियंस का आना। हम जानते हैं होमोसेपियंस का मतलब है कि एक ऐसा बीइंग जिसमें विजडम है, जिसमें क्रिएटिविटी है। और जब होमोसेपियंस हुआ, क्योंकि होमोसेपियंस में एक जो होमो और विजडम जो लगा हुआ है, इस तरीके से यदि हम देखें तो होमोसेपियंस ने एक साथ रहना सीखा, सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, और सोसाइटी के फॉर्मेशन से नए कल्चर का आविर्भाव हुआ। और जब हम कल्चरल जितने भी विषय हैं, चाहे वो आर्ट्स के रूप में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के रूप में हो, चाहे वो सोशल साइंसेज के रूप में हो, इन सब का आविर्भाव हुआ। इस तरीके से जो डिसिप्लिनरी जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, और हम जानते हैं कि जो सबसे हायर ऑर्डर का जो इवोल्यूशनरी जो स्पेसीज होता है उसमें वो सारे लक्षण पाए जाते हैं जो उनके लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक हम स्केल्स की बात करें, रिसर्च में हम स्केल्स की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो मेजरमेंट में हम बहुत सारे स्केल्स की बात करते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। हम जानते हैं कि रेशियो में वो सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो नॉमिनल में पाए जाते हैं। मीन्स क्या कि जो हायर ऑर्डर का जो इवोल्यूशनरी स्केल है ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे किसी भी स्केल का हो, उसमें लोअर लेवल के सारे फीचर्स पाए जाते हैं। यानी कि जब होमोसेपियंस और होमोसेपियंस सेपियंस केवल विजडम नहीं, जो सुपर विजडम है, हमने सुपर विजडम को इवॉल्व किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस विजडम का प्रयोग हम अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। ये शायद मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विनाश के लिए वो सारे सरंजाम जुटा के रखता है। रूसो का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य जन्म तो लेता स्वतंत्र है, लेकिन वो सर्वत्र बंधनों से घिरा रहता है। सारे फेटर्स हम अपने ऊपर रख लेते हैं। क्या ज्ञान हमारे लिए केवल फेटर्स क्रिएट करने के लिए है? तो हमारा जो मॉडल है वो मॉडल साविद्या या विमुक्ते का मॉडल है, यानी कि रिसर्च का मॉडल ऐसा है कि जो हमें अज्ञानता से मुक्ति दिलाए। मीन्स क्या कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, इस पैटर्न को आज चेंज करने की जरूरत है। तो डिसिप्लिनरी कंसर्न्स में हमने देखा कि किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ है। डिसिप्लिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व किया है, वैसे वैसे डिसिप्लिन भी इवॉल्व हुआ है। जैसे जैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे डिसिप्लिनरी इवोल्यूशन भी हुए, और उसको उसकी बारीकियों को हमें समझने की जरूरत है। मीन्स क्या कि आज चाहे वो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हो, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हो, चाहे साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, या आईटी रिवोल्यूशन हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या डीप लर्निंग, या मशीन लर्निंग, आज जो जितने भी जो लेटेस्ट पैराडाइम है, लेकिन केवल अपने रीजन को डेवलप करना अपने डिस्ट्रक्शन के लिए, ये शायद आज हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज हम सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर रिसर्च का या नोइंग का या इस अल्टीमेटली सोसाइटी का क्या मॉडल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन को यदि हम एक डिनोटेशन के संदर्भ में देखें, यानी कि एक खास एक स्पेशलाइज्ड एकेडमिक ब्रांच है जिसका अपना एक रिसर्च स्टाइल है, अपना एक नोइंग का स्टाइल है,
अपना एक सब्जेक्ट एरिया है, अपनी एक विषय वस्तु है। तो डिसिप्लिन को समझना और डिसिप्लिन का जो बायोलॉजिकल कॉनोटेशन है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जैसा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। यानी कि हमारे ज्ञान प्राप्त करने के तरीके और जो ज्ञान जो अर्जित हम करते हैं वो हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए यूजुअली हम देखते हैं कि एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का बिहेवियर एक खास तरीके से हो जाता है, टिपिकल बिहेवियर हो जाता है। एक मनोविज्ञान पढ़ने वाले का बिहेवियर एक खास तरीके का व्यवहार हो जाता है। एक फिलॉसफी पढ़ने वाले का बिहेवियर एक खास तरीके का हो जाता है। मीन्स क्या कि वो खास तरीके से हमारे ब्रेन को कंडीशनड करता है, और ब्रेन की कंडीशनिंग हम जानते हैं कि बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो केवल डिसिप्लिन का केवल डिनोटेशन नहीं कि हम किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं, डिसिप्लिनरी कनोटेशन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक जो कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन, एक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक एकेडमिक ब्रांच, एक किस तरीके से लर्निंग का ब्रांच, किस तरीके से ज्ञान की शाखा, किस तरीके से एक जो नॉलेज क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो नेचुरली हमें यदि एक मॉडल बिहेवियर चाहिए, हमें एक ऐसा बिहेवियर चाहिए कि जो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे कॉस्मोस के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, चाहे वो माइक्रोकॉस्म के स्तर पे हो, चाहे वो व्यष्टि परक हो, चाहे वो समष्टि परक हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या वो मैक्रोस्कोपिक हो, हमें डिसिप्लिनरी कंसर्न्स को आज, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, मैं हमेशा एक टर्म यूज करता हूं, और मुझे लगता है कि ये हमारे सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करता है, हमारे एकेडमिया में एग्जिस्ट करता है, जो डिसिप्लिनरी अनटचेबिलिटी है, जो अनुशासनिक अस्पृश्यता है, जो डिपार्टमेंटल कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जो डिसिप्लिनरी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। हम जानते हैं कि मनुष्य की कोई भी समस्या को तो किसी एक डिसिप्लिन से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। वो वैसे ही कि जैसे हम कंप्लीट मनुष्य, हमारे लिए स्टोमक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ब्रेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए किडनी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्किन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए विजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम समग्रता के भाव को ही ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि ये समग्र भाव को ही हम प्रकृति कहते हैं, तो क्या इस तरीके की विधाएं होनी चाहिए कि हम सारे डिसिप्लिन के नाम पे हम पूरे यूनिवर्सिटी को, पूरे विद्यालय को हम इस तरीके से कंपार्टमेंट में बांट दें, डिसिप्लिनरी अनटचेबिलिटी की स्थिति को पैदा करें? आज डिसिप्लिनरी कंसर्न्स को भी आज रीडिफाइन करने की जरूरत है। डिसिप्लिनरी ब्लाइंडनेस बहुत ही घातक समस्या है हमारे सामने, और डिसिप्लिनरी समस्या वो इसलिए है क्यों हम जानते हैं कि जो खास तरीके का कंटेंट यदि हम कंपार्टमेंटल, यदि हम ज्ञान को कंपार्टमेंट में बांट के स्टडी करेंगे तो हमारा बिहेवियर भी फ्रेगमेंटेड होगा, हमारा बिहेवियर भी विभाजित होगा, हमारा बिहेवियर में भी, हमारे बिहेवियर में भी तादाद में नहीं दिखेगा, समरसता नहीं दिखेगी, समावेशन नहीं दिखेगा। तो जो डिसिप्लिनरी कंसर्न्स हैं उसको एक बहुत ही सीरियसली रीथिंक करने की जरूरत है, उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। आज हम टीचर एजुकेशन को ही लें, हम जानते हैं कि टीचर एजुकेशन एक ट्रांसडिसिप्लिनरी इवोल्यूशन है, जिसमें फिलॉसफी का भी उतना ही रोल है जितना साइकोलॉजी का रोल है, जितना एडुकेशनल टेक्नोलॉजी का रोल है, जितना इकोनॉमिक्स का रोल है, जितना पॉलिटिकल साइंस का रोल है, हम जानते हैं। लेकिन आज यदि हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में यदि हम टीचर एजुकेशन की स्थिति को यदि हम देखें, तो हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है कि हम अनटचेबल हैं, हमें ऐसे टीच किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है कि लगता है कि हम उस सिस्टम के पार्ट नहीं हैं।
मेरा मानना तो ये है कि एक इस तरीके का मॉडल, एक इस तरीके का पैराडाइम हम डेवलप करें कि टीचर एजुकेशन के सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उन डिसिप्लिन्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि डिसिप्लिनरी अनटचेबिलिटी की स्थिति हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में जो पेडागॉजी का जो स्किल है या एंड्रागॉजी का जो स्किल है, क्या यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के टीचर को एंड्रागॉजी एंड्रागॉजिक स्किल्स की ज़रूरत नहीं है? क्या किसी दूसरे विधा के शिक्षक को क्या पेडागॉजिक स्किल जानने की ज़रूरत नहीं है? शायद आज वो समय आ गया है कि हम सारे डिसिप्लिन को हम एकत्रता की भाव से देखें, हम उसको एकत्र करें, हम उसको समावेशित भाव से देखें, तब जाकर के डिसिप्लिनरी अनटचेबिलिटी और डिसिप्लिनरी जो ब्लाइंडनेस है, उस ब्लाइंडनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये सवाल केवल ये चर्म चक्षु का नहीं है, और ये केवल ज्ञान चक्षु का भी नहीं है, ये दिव्य चक्षु का है। हम इस तरीके से, हम जब तक ये कंसिड्रेशंस को नहीं रखेंगे, तब तक शायद हमारे लिए बहुत ही स्थिति बहुत डिफिकल्ट होगी कि हम किस तरीके से हम इसको ये करें। इसके बाद हम अब विमर्श को इस बात पे हम जोर डालना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्यों कंसर्न है इसको, इसका इस पे विमर्श करना क्यों आवश्यक है, इसको जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली नेचर में एक सैनर्जी लाने के लिए, एक हार्मनी लाने के लिए, एक राष्ट्र और राष्ट्र के बीच समन्वय लाने के लिए, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच समन्वय लाने के लिए, दिल से दिल को जोड़ने के लिए, मस्तिष्क से मस्तिष्क को जोड़ने के लिए, डिसिप्लिनरी जितने भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विमर्श का जो अगला पड़ाव है, जो फिलोसॉफिकल जो कनोटेशन है रिसर्च के, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, किन-किन मेथड से हम जानते हैं, और जानने का केवल एक तरीका सबसे अच्छा है, या हम एक ही चीज को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम एक अपने चश्मे का, अपने ग्लास का कलर यदि हम ब्लू रख लेते हैं तो पूरी दुनिया हमें ब्लू दिखती है, यदि हम येलो रख लेते हैं तो पूरी दुनिया हमें येलो दिखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने अपना रंग बदलना स्टार्ट कर दिया है, नहीं, हमने अपने विजन को बदला है। यानी कि जैसे जैसे विजन बदलता जाता है, वैसे वैसे दुनिया हमें डिफरेंट कलर की दिखने लगती है। तो जब हमारे लिए विजन ही इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना हमें अपने विजन को शार्प करना चाहिए? और विजन को शार्पन करने का एक ही तरीका है, शोध, अनुसंधान, जानने के तरीके। तो जानने के तरीके को समझना पड़ेगा। क्या हम ये जाने कि सत्य केवल एक है? क्या हम ये जाने कि सत्य केवल दो है? या हम ये जाने कि सत्य अनेक हैं? या एक ही सत्य को देखने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इन सभी के रूट को जब हम देखते हैं, तो चाहे जो एक बहुत बड़ा चीज है न्यायशास्त्र, जिसमें खास करके जो चार मुख्य जो जानने के तरीके हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष के रूप में हो, परसेप्शन करने का हो, चाहे अनुमान का हो, चाहे उपमान का हो, और चाहे शब्द का, इस तरीके से जानने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष का हो, प्रत्यक्ष विधि हो, या अनुमान लगाने की विधि हो, चाहे उपमान की विधि हो, कंपैरिजन और एनालॉगी का विधि हो, या शब्द की विधि हो।
सारे टेस्टिमोनी को, जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उनको वैलिडेट करना विभिन्न शब्दों के माध्यम से, या जैन दर्शन का सप्तभंगी न्याय हो या स्यादवाद हो कि जानने के तरीके, ट्रुथ जो है वो एब्सोल्यूट है या ट्रुथ जो है रिलेटिव है। तो हम कहते हैं कि स्याद अस्ति शायद है, फिर कहते हैं स्याद नास्ति शायद नहीं भी है, और स्याद अस्ति और नास्ति है भी और नहीं भी है। कहते हैं कि कभी स्याद अस्ति और अवक्तव्यम भी, हम कहते हैं कि है भी और शायद उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और कभी हम कहते हैं स्याद नास्ति अवक्तव्यम, नहीं भी है और शायद हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और कभी कभी कहते हैं हम स्याद अवक्तव्यम। हमारे दर्शन की परंपरा बहुत ही विशाल रही है, व्यापक रही है, जानने के तरीके बहुत सारे रहे हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर ने भी टेनासिटी, ऑथोरिटी, अप्रायरी, अपोस्टेरियरी, पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, बहुत सारे तौर तरीकों को डेवलप किया, लेकिन जानने के तरीके तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम एक चीज नहीं जानते हैं कि उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। और हम इंटीग्रेशन इसलिए नहीं जानते हैं कि सबसे पहले हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारी समस्या क्या है, जबकि शोध एक यूजुअली हम दूसरे क्षेत्र में देखते हैं कि हम समस्या को नहीं पसंद करते, लेकिन आधुनिक परिदृश्य में यदि हम देखें कि शोध एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ईच एंड एवरी रिसर्च स्कॉलर अपने गाइड के पास जाता है और कहता है अपने सुपरवाइजर से कि गुरुजी हमें एक समस्या दे दो। अब जब गुरुजी की समस्या होगी तो छात्र कैसे सॉल्व करेगा, गुरुजी ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रिसर्च हमें एक फाइन ऑब्जर्वेशन, फाइन पेनिट्रेशन, एक बहुत ही अवलोकन का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीका है, यदि वो उसे हमें ट्रेन कर देता है तो डेफिनेटली हमारे जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शायद वो आपके सामने प्रश्न लेने के लिए नहीं आएंगे, उनके पास खुद ही समस्याएं होंगी, और जब समस्या होती है तो हम समस्या का समाधान भी हमारे ही पास होता है। कहा जाता है यदि आपकी समस्या है तो समाधान भी आप ही के पास होना चाहिए, और यदि आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो आप अपने आप में एक समस्या है। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस परंपरा को, इस डिसिप्लिनरी ट्रेडिशंस को समझने की मूल वाक्य है कि श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, हमें श्रद्धावान होना पड़ेगा, और जब तक हम श्रद्धावान नहीं होंगे, किसके प्रति, समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, इस नेचर के प्रति, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि आनो भद्राः कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, जितने भी नोबेल थॉट्स हैं वो चारों तरफ से आए हमारे पास, लेकिन हमारे पास रिसेप्टिविटी तो हो, हम उसको कैच तो करें। रेडियो ट्यून हो जाता है, और जब हमारे इक्विपमेंट्स में जो ट्रांसमिटिंग एंड पे ट्यून कर दिया जाता है, और जब हमारे इक्विपमेंट्स पे यदि उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने की एबिलिटी नहीं होगी तो शायद हम कोई भी संगीत नहीं सुन सकते या कोई भी समाचार नहीं सुन सकते। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिंग जो कैपेबिलिटी है रिसर्चर्स की, उसको जागृत करने की, ताकि
जब समस्या उनकी होगी, जब समस्या को एक्सप्लोर करना सीखेंगे, तो केवल आपको कॉग्निटिव स्कैफोल्ड ही तो करना पड़ेगा, केवल एक कॉग्निटिव सपोर्ट ही तो देना पड़ेगा, केवल आपको एक कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जिसको कहते हैं, वो अप्रेंटिस है। हो सकता है कि आप ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, वो लेस मैच्योर्ड है, तो जो मोर मैच्योर्ड और लेस मैच्योर्ड के बीच का जो एक इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन में उनको मामूली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और डेफिनेटली वो एक अपने आप को समाज के और इस एकेडमिया के फंक्शनल बीइंग के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और तब जा कर के हम देखेंगे कि ये जितने भी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड होगा, और वो केवल व्हाइट टावर्स नहीं होगा, ये केवल व्हाइट एलिफेंट्स नहीं होंगे, बल्कि सोसाइटी भी जो इतना इन्वेस्ट करती है इस सारे इंस्टीट्यूशंस पे, वो भी उससे एफिनिटी फील करेगी। तब जाकर के सही शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्ब्रायो है इस सोसाइटी का, क्योंकि इस एम्ब्रायो में वो सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के। तो चूंकि जब ये इंस्टीट्यूशन, जब ये कॉलेज, जब ये स्कूल, जब सोसाइटल एम्ब्रायो है, जब वो फीटस है, तो उन सारे ट्रेट्स उसमें होने चाहिए जो सोसाइटी की क्या समस्या है। तो सोसाइटी की समस्याओं को देखना, केवल मटेरियल वर्ल्ड को नहीं, नॉन मटेरियल वर्ल्ड को भी देखना, क्योंकि हमारे लिए नॉन मटेरियल वर्ल्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मटेरियल वर्ल्ड तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी, लेकिन नॉन मटेरियल वर्ल्ड जो हमारा इमेजिनेशन है, हमारी जो कल्पना है, हमारा जो एग्रेशन है, हमारी जो ज्ञान पिपासा है, ये जितने भी नॉन मटेरियल पार्ट हैं, जितने भी कल्चरल, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मीन्स क्या कि रिसर्च जो हम यूजुअली कहते हैं कि एक नेचुरल फेनोमेना को या वो सोशल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने का तरीका है, ये एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम इनमें, इन डायमेंशंस पे हम अपने स्टूडेंट को रेडी नहीं करेंगे, तब तक शायद एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर सकते। दो मॉडल होते हैं जानने के, मानने के, या तो जानकर मानिए या मानकर जानिए, जानकर मानना या मानकर जानना। कभी कभी हम मान लेते हैं फिर जानने की कोशिश करते हैं। दोनों मॉडल अपने अपने जगह पे ठीक है, और हमें एक नोटेड फिजिसिस्ट जो हैं, ओपेनहाइमर, वो ये कहते हैं कि जो हाउस ऑफ जो साइंस है, वो हाउस ऑफ साइंस को इस तरीके से मेटाफर के रूप में उन्होंने वर्णन किया है कि ये कुछ पार्ट्स तो इसके कंप्लीट हैं, कुछ पार्ट्स इसके बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, कुछ ओपन वेरेंडा है, कुछ के ऊपर कंस्ट्रक्शन किए जाने हैं। इट मीन्स क्या है कि हमें उस मेटाफर को समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड अनलॉफुल नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड ये लॉफुल है, और उस लॉ को, उस कंसिस्टेंसी को, उस फेनोमेना को जोड़ने की जरूरत है, उस फेनोमेना को तलाश करने की जरूरत है, उस फेनोमेना को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी प्रभाव हैं, ये जितने भी फेनोमेना हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि इमैनुअल कांट कहता है कि एक न्यूमेना है और दूसरा फेनोमेना है। एक जो ऐसा रियलिटी है जो आपके सेंस ऑर्गन से वो अफेक्ट नहीं होता है, एक ऐसा है कि जो आप अपने सेंस ऑर्गन से उसे परसीव करते हैं, और वो परसेप्शन आपके अकॉर्डिंग टू होता है, क्योंकि आप वैसा ही परसीव करते हैं जैसा आप हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको समझें। मीन्स क्या कि जो रिसर्च है वो रिसर्च एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने का तरीका है,
कॉजेशन को जानने का तरीका है कि किसके क्या कॉज हैं, किस इफेक्ट के क्या कॉजेज हैं। रेप्लिकेशन का तरीका है, फॉल्सिफिकेशन का तरीका है। जब हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन का मतलब रिपीटेशन और डुप्लीकेशन, हम ऐसा करें कि जिसको रिपीट भी किया जाए कि ताकि हम वही मॉडल किसी को रेप्लिकेट करके दिखा पाए। तो इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें, और फिलॉसफी नाम है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का। हम जब कोई जजमेंट फाइनल करते हैं उसी का नाम फिलॉसफी है। फिलॉसफी नाम है आउटलुक का, फिलॉसफी नाम है इस पूरे कायनात को समझने का, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो। ट्रूथ एस्टैब्लिशमेंट का एक तरीका है, और हम जानते हैं कि फिलॉसफी के जो वेरियस पार्ट्स हैं, जो वेरियस ब्रांचेज हैं, चाहे वो ऑन्टोलॉजी हो चाहे वो सत्ता शास्त्र हो, कि सत्य कितने हैं, यूनिवर्सल हैं या मल्टीवर्सल हैं, और यदि सत्य है तो जानने के क्या तरीके हैं, क्योंकि हम सभी एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं, हम सभी ज्ञान मीमांसु हैं, हम सभी ज्ञान शास्त्री हैं। तो जब सत्य एक है तो जानने का तरीका भी एक होगा, और जब सत्य मल्टीवर्सल रियलिटी है तो उसके बहुत सारे वर्सेस होंगे। जितने भी लोग होंगे उनके लिए तरीके बिल्कुल अलग अलग होंगे। वैसा ही जैसे कंटेंट एक होता है, टॉपिक एक होता है, सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन विद्यार्थी समझता अलग अलग तरीके से है, क्योंकि ये प्रोसेसर सबके अलग अलग हैं। किसी का पेंटियम 1 है, किसी का पेंटियम 2 है, किसी का पेंटियम 3 है, किसी का पेंटियम 5 है, किसी का प्रोसेसर बिल्कुल अलग अलग है। तो जब सबका प्रोसेसर अलग अलग है तो विधियां एक कैसे हो सकती हैं। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हम केवल ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ना देखें, केवल सत्य क्या है, सत्य के कितने रूप हैं, केवल इसके लिए नहीं, बल्कि एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंसेज को भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत है कि वो जानने के कितने तरीके हो सकते हैं। और हमारी परंपरा, हमारे जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है वो समृद्ध रही है। जानने के कोई ऐसे तरीके नहीं है, चाहे वो अदृश्य जगत का हो, चाहे वो दृश्य जगत का हो, चाहे वो फेनोमेनल वर्ल्ड का हो, चाहे वो न्यूमेनल वर्ल्ड का हो। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा रही है आत्म साक्षात्कार की, और आत्मा दिखती नहीं है, सोल दिखती नहीं है, लेकिन हम सोल के एहसास को हम फील करते हैं। वो एक ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, वो लौकिक नहीं है, वो एक अलौकिक सत्ता है। तो जहां पे लौकिक सत्ता को भी स्टडी करने का और अलौकिक सत्ता को भी स्टडी करने के लिए इतने सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स को जानने की जरूरत है, रादर केवल वेस्टर्न ट्रेडिशन, या जो केवल जो अगस्त कामटे का जो एक पॉजिटिविज्म, या जो केवल जब हम इंडक्शन और डिडक्शन की बात हम करें तो केवल इससे काम नहीं चलने वाला है। आज एक सही वक्त है, आज एक सही जो एस्पेक्ट है जिसपे हमें सबको सोचने की जरूरत है कि हम एक बार पीछे मुड़ करके देखें, डेवलपमेंट हमने क्यों किया है, हमें जाना कहाँ है, क्या हमारे शोध के डायरेक्शन हमें बर्बाद करने के लिए है, क्या शोध का डायरेक्शन ये होना चाहिए कि हम अपने लैबोरेटरी में नए नए वायरस की उत्पत्ति करें और उस अदृश्य सत्ता को हम लोगों को की तबाही के लिए। क्यों? क्योंकि हमने कभी एक्सियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं दी रिसर्चर्स को, हमने रिसर्चर को फिलॉसफी नहीं स्टडी करवाया, अनरियलाइज करवाया, हमने फिलॉसफर को हमने एक लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग नहीं दी, हमने अपने रिसर्चर को हमने एस्थेटिक्स की ट्रेनिंग नहीं दी, हमने अपने रिसर्चर को हमने ने ये नहीं समझाया कि वैल्यूज़ क्या होती है, क्या केवल ज्ञान के लिए ज्ञान इम्पॉर्टेंट है,
कि उपयोगिता के लिए भी ज्ञान इंपॉर्टेंट है। केवल ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं, उपयोगिता के लिए भी ज्ञान। हम जानते हैं कि आज उनसे पूछा जाए कि जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उनसे पूछा जाए कि इस साइंस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अरबों अरब रुपए जो खर्च किए गए इस शोध पे, उससे आपको क्या आज क्या मिला है, तो शायद उसकी पीड़ा और वेदना को आज एड्रेस करने की जरूरत है अपने शोध में। तो आज जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो केवल ये नहीं कि हम जैसे देखते हैं कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे सामने में बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं। जैसे हम कभी इडियोग्राफिक अप्रोच लेते हैं, व्यक्तिमूलक उपागम उपयोग करते हैं कि हम एक व्यक्ति या किसी फेनोमिना का हम विशिष्टता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके डिस्टिंक्टिवनेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कभी नोमोथेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। कभी हम उन सारे व्यक्तियों का जब हम स्टडी करते हैं या फेनोमिना का स्टडी करते हैं, तो हम कॉमनैलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, हम रूल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो कभी हमारा अप्रोच इडियोग्राफिक का होता है, तो कभी हमारा अप्रोच नोमोथेटिक का होता है, यानी कि कभी व्यक्तिमूलक, कभी नियमानुवेशी होता है, कभी हम नियम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि नियम बिना कॉमनैलिटी के नहीं होती। कभी एटिक अप्रोच फॉलो करते हैं, कभी हम बाहर से एज ए एक्सटर्नल व्यूअर की तरह इस वर्ल्ड को देखने की कोशिश करते हैं, और कभी हम एमिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, कभी हम इनर व्यू लेते हैं। आज एटिक और एमिक दोनों को कोलैबोरेट करने की जरूरत है। आज इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक दोनों को कोलैबोरेट करने की जरूरत है, और कोलैबोरेशन से ज्यादा कोरोबोरेशन इंपॉर्टेंट है, जहां पे सारे न्यू एविडेंसेस को लाने की जरूरत है जिससे हम उसके वैलिडिटी को एस्टैब्लिश कर पाए। तो हमारे लिए आज केवल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि शोध जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक इस तरीके से जहाँ पे हम बहुत सारे पैराडाइम की बात करते हैं, चाहे पैराडाइम कोई भी हो, पैराडाइम चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, जिसको हम एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं, जिसको हम बॉटम डाउन टॉप डाउन भी कहते हैं, जिसको हम केवल और केवल हम वेरिफिकेशन करते हैं, डिडक्शन के रूल पे हम चलते हैं, चाहे क्वालिटेटिव हो, मींस क्या कि जो एक्सप्लोरेटरी हो, जो अन्वेषणात्मक हो, जो हम बॉटम से लेकर के टॉप तक, आज मनुष्य की जितनी भी पीड़ाएं हैं, और ये जो प्रकृति की पीड़ा है, केवल मनुष्य की पीड़ा नहीं है, क्योंकि हम उस प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। तो आज जो एक्सप्लोरेशन है, केवल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा, आज हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आज हमें क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उसको ढूंढने की जरूरत है। आज केवल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं, बल्कि इंटरप्रिटेशन और जो फिनोमेनल जो फिनोमेनोलॉजी है, इस फिनोमेनल को अपने तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है, उसमें एक्सपीरियंसेस को ऐड करने की जरूरत है, उसमें ह्यूमन बीइंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको उसमें एड ऑन करने की जरूरत है, नेचर के जितने भी सेंसिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने की जरूरत है। और जब हम देखेंगे कि जब फिजिक्स के साथ जब लैंग्वेज के इमेजिनेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो थियोरेटिकल फिजिस्ट, जब हम स्टीफन हॉकिंस की भी बात करते हैं तो वो भी कहते हैं, वो भी एग्री करते हैं कि जो केओस थियरी है या जो बटरफ्लाई इफेक्ट है, जो हमें ये दुनिया क्योटिक कभी कभी लगती है, वो बेसिकली क्योटिक नहीं है। ये दुनिया बिल्कुल हाईली रैंडमनेस नहीं है उसमें, बल्कि उसमें इतने फाइन फाइन ऑर्डर हैं कि वो ऑर्डर को हमारा माइंड जब परसीव नहीं कर पाता है तो हम उसको कह देते हैं कि ये क्योटिक वर्ल्ड है। तो उस केओस में उस जो डिसऑर्डर है, जो डिसऑर्डरलीनेस जो हमको परसीव होता है, आज उसमें ऑर्डर ढूंढने की जरूरत है। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
चाहे क्वांटिटेटिव पैराडाइम की हम बात करें, क्वालिटेटिव पैराडाइम की बात करें। पैराडाइम हम जानते हैं कि जब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो कुन की बुक है, जो बहुत ही फेमस भी रही थी, जो पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी पैराडाइम पैरालिसिस के शिकार हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पैराडाइम हमारे लिए वैलिड है, कौन सा पैराडाइम हमारे लिए वर्केबल है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम इस वर्ल्ड व्यू को देखने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड व्यू, मॉड्यूलर एग्जाम्पल या पैटर्न, जिसको हम पैराडाइम कहते हैं, तो आज पैराडाइम को आज कन्वर्जेंस के मॉडल पे चलने की जरूरत है, जिसको हम मिक्स्ड पैराडाइम भी कहते हैं। और जब हम मिक्स्ड करेंगे, मींस क्या कि जहां पे सोशियोलॉजी का भी कुछ मेथड हो, क्योंकि फिजिक्स के भी शोध में सोशियोलॉजिकल इनपुट डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज बायोलॉजी के शोध में भी सोशियोलॉजी का इनपुट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन का आविष्कार करना ही, डिस्कवर करना ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसका सोशल इंपैक्ट क्या है। क्योंकि सोसाइटल इंपैक्ट जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, तब तक शायद उस मेडिसिन का या उस एस्पेक्ट्स का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इस बात पे आज हमें फोकस करना होगा कि चाहे क्वांटिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो कि कंप्लीटली मैथमेटिकल मॉडल पे स्टार्ट है। हमें बेंजामिन डिजराइली का एक स्टेटमेंट याद होता है और हम कहते हैं कि केवल जो दुनिया में जो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइज, दुनिया में तीन तरह के झूठ होते हैं। एक लाई, दूसरा डैम लाइज और तीसरा स्टैटिस्टिक्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि मानवीय पीड़ा को, मानवीय संवेदना को, इस प्रकृति के प्रति सेंसिटिविटी को क्या हम मीन, मीडियन, मोड और क्या क्वांटिफिकेशन से मेजर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिज्म को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जनरलाइज कर देते हैं। हम एक कहते हैं कि ये यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है और उस यूनिकनेस में, यानी कि जो एक व्यक्ति में है, वो दूसरे पे अप्लाई नहीं हो सकता। और हम दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं कि हम उसको जनरलाइज करके एक थ्योरी बना देते हैं। आज पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या क्या डिसिप्लिनरी मिस्टेक्स की हैं, हमने किस तरीके से कन्वर्जेंस को अवॉइड किया है, हमने किस तरीके से सेग्रीगेशन को हमने प्रमोट किया है। और आज इसलिए दुनिया पूरी सेग्रीगेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान परंपरा ही हमने सेग्रीगेटेड कर दी। हमने पूरे विश्वविद्यालय के लर्निंग पैराडाइम को ही चेंज कर दिया। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिया। हमने एडुकेशन और हिस्ट्री के बीच हमने बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिया। तो आज उस बाउंड्री को तोड़ने की जरूरत है, डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। केवल डीकंस्ट्रक्शन ही नहीं, उसको कंस्ट्रक्ट भी करने की जरूरत है और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की भी जरूरत है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि एक बार हम पूरे शोध के थियोरेटिकल जो ओरिएंटेशंस हैं हम देखें तो किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया है। आज इंडिया की शोध या वर्ल्ड की यदि हम शोध की बात करें, मटेरियल जगत के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना ये बहुत आसान है, फिजिक्स में रिसर्च करना बहुत आसान है, केमिस्ट्री में रिसर्च करना बहुत आसान है, बिकॉज टू डील विद मैटर इट्स अ वेरी इजी टास्क, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद माइंड्स, बिकॉज ऑल वी आर माइंड साइंटिस्ट, वी हैव टू एक्सप्लोर द डायनेमिक्स ऑफ माइंड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो माइंड के डायनेमिक्स को और इस माइंड का नेचर के साथ तादात्म्य, इस सोसाइटी के साथ तादात्म्य तब तक नहीं होगा जब तक हम साइंस में ह्यूमैनिटीज को जब तक हम नहीं डालेंगे और ह्यूमैनिटीज में जब तक हम साइंस को नहीं डालेंगे।
इस तरीके से यदि हमने देखा, हमने कोशिश की कि हमने नए नए जार्गन्स को यूज़ करने की कोशिश की, जैसे हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया। लेकिन ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये इंडिया में बहुत दिनों से चलती आ रही है। यदि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस को देखें तो डेफिनेटली वहाँ तो चॉइस ही चॉइस था, और इसीलिए वहाँ एक्सपर्टीज भी अधिक थी, वहाँ कुशलता भी अधिक थी, और उस एट्रीब्यूट के नाम से वो व्यक्ति जाना जाता था। और आज हम मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन हैं। तो आज यदि हम देखें तो हमें केवल चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को वेस्टर्न कंट्रीज से या वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल को यूनिवर्सिटी पे चस्पा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ताकि विदेशी फंड हमें मिल जाएं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम केवल और केवल डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज जो क्रिएट किया गया है डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बीच, ये आज उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे IITs ने, बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आज फिलॉसफी पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजी पढ़ाना भी स्टार्ट किया है, आज सोशियोलॉजी की भी ब्रांचेज खुल रहे हैं। बाउंड्रीज जो हैं, डिसिप्लिनरी जो बाउंड्रीज हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। हो सकता है कि हमारी ब्रेन की लिमिटेशंस हैं तो उसको हम टुकड़े टुकड़े में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन के भी यदि हम डायनेमिक्स को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि ये भी एक इंटीग्रेशन में देती है। क्योंकि रिसर्च को हम कहते हैं कि रिसर्च इज ए क्रिएटिव एंड सिंथेटिक प्रोसेस, और जानते हैं क्रिएटिविटी क्यों हम कहते हैं इसे, वो इसीलिए कि क्रिएटिविटी के 4 phases हैं बेसिकली। पहला फेज प्रिपरेशन का है, तैयारी का है, और जब तैयारी कहते हैं तो तैयारी में हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, और केवल हम प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन के बाद हम इनक्यूबेट करते हैं, और जब इनक्यूबेशन का जो प्रोसेस है, वो इनक्यूबेशन का प्रोसेस का जो मेजर जो रोल प्ले करता है वो हमारा राइट ब्रेन करता है। तो देखिए एक क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो करने के बाद एक नोवल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मीन्स क्या कि प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन और उसके बाद इल्यूमिनेशन, हमें नए आइडिया का आभास होता है, हम इल्यूमिनेट हो जाते हैं, हम आत्मदीप्त हो जाते हैं, हम आत्म प्रकाशित हो जाते हैं कि हमने ये एक्सप्लोर किया है। और यूजुअली हम यदि कहें आर्किमिडीज के लैंग्वेज में, यूरेका और यूरेका का फील होने लगता है कि जस्ट आई डिड इट, आई डिस्कवर इट, और आर्मस्ट्रांग का ह्यूरिस्को का फील होने लगता है। और वही हम कहते हैं कि जब हम अपदीपो भव, वो आत्मदीप्ति का भाव हमें अंदर से फील होने लगता है, यानी कि जो इल्यूमिनेशन का भाव है। और उसके बाद जब हम इल्यूमिनेट होते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन का दौर होता है, तो वेरिफिकेशन में रीजनिंग इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए हमारा ब्रेन भी किस तरीके से, हम कहते हैं कि ब्रेन टुकड़ों टुकड़ों में समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ब्रेन भी एक इंटीग्रेटेड भाव से समझने की कोशिश करता है। तो चाहे इल्यूमिनेशन का हो, प्रिपरेशन से लेकर इनक्यूबेशन से लेकर के इल्यूमिनेशन से लेकर और वेरिफिकेशन तक का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस डेफिनेटली एक रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए इमोशनल एस्पेक्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए। जब आप इस भाव को लेकर के रिसर्च लेबोरेटरी में जाएंगे कि हमें इस देश को पराजित कर देना है, इस हमें मानव सभ्यता को मिटा देना है, तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आज केवल हमारे रिसर्चर को
केवल मेटाफिजिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, केवल ऑन्टोलॉजिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे हमें यदि देखा जाए तो उसे एक्सियोलॉजिकल ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे एथिकल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ज़्यादा है। एथिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा। आज आप इमेजिन कीजिए कि न जाने कितने करोड़ों और अरबों रुपए तो इस कोरोना को या कोरोना के सिचुएशन को डेवलप करने के लिए लगाया गया होगा, और करोड़ों अरबों 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 रुपीस आज पूरे ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, विभीषिका को खड़ा करने के लिए, उसमें न जाने कितना बड़ा लॉस हुआ, ह्यूज लॉस। तो इसका मतलब केवल ये है कि नेचर का कुछ नहीं बिगड़ा, नेचर तो आप देखेंगे और हील कर रही है, क्योंकि नेचर को यदि आप घाव देंगे तो नेचर तो अपने घाव का मरम्मत करना जानती है, और चूंकि नेचर के आप पार्ट हैं और आप पार्ट यदि डिस्ट्रक्टिव पार्ट हैं तो नेचर आपको डिस्ट्रॉय करना भी जानता है। तो समय रहते हुए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपने आप को, अपने रोल को, इस पूरे समाज के रोल को समझें और उससे एडुकेशन के एक फंक्शनल मॉडल को, सस्टेनेबल मॉडल को, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो करते हैं लेकिन एडुकेशन में सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम केवल समस्याओं का रोना तो रोते हैं लेकिन जो एक ग्राउंड, जो ग्रास रूट रियलिटीज है उसको चेंज करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो चाहे जो भी डिसिप्लिनरी रूट्स हों, आज सारे रूट्स को आज इंटीग्रेट करने की जरूरत है, चाहे वो एथनोग्राफी हो, चाहे ऑटो एथनोग्राफी हो, चाहे रियलिटी टेस्टिंग का मॉडल हो, चाहे कंस्ट्रक्टिविज्म का मॉडल हो, चाहे फिनोमेनोलॉजी हो, चाहे इथनोमेथडोलॉजी हो, चाहे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो, चाहे सिमियोटिक्स हो, चाहे हर्मेन्यूटिक्स हो, चाहे नैरेटोलॉजी हो, चाहे इकोलॉजिकल साइकोलॉजी हो, चाहे सिस्टम थियरी हो, आज जितने भी मॉडल्स हैं, आज उन सारे मॉडल्स के पार्ट को जो इंटीग्रेट होने का जहाँ पे गुंजाइश हो वहाँ पे डेफिनेटली हमें रखने की ज़रूरत है। और साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ या साइंस और आर्ट्स का जो एक जो खाई है उस खाई को पाटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मटेरियल और नॉन मटेरियल वर्ल्ड दोनों लॉफुल हैं और उस लॉफुल, उसका एक डेफिनेट पैटर्न है, केवल उस पैटर्न को हमें परसीव करने की ज़रूरत है और उस पैटर्न को उसी तरीके से हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है। यदि हम डिसिप्लिनरी कंसर्न्स की बात करें तो दूसरे डिसिप्लिनरी कंसर्न्स भी हैं, जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन ने डिफरेंट डिसिप्लिनरी डायमेंशंस को डेवलप करने की कोशिश की है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, और इसको मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से मैटर और एनर्जी से एटम और मॉलिक्यूल्स का बनना, एटम और मॉलिक्यूल्स से किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से होमोसेपियंस के रूप में आना, होमोसेपियंस से किस तरीके से होमोसेपियंस सेपियंस के रूप में आना, और उसके बाद एक कल्चरल फैब्रिक का निर्माण करना, एक संस्कृति का निर्माण करना, और फिर सोशल साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जैसे शब्दों का इवॉल्व, जैसे अनुशासनों का, जैसे शास्त्र का इवॉल्व होना।
यदि हम डिसिप्लिनरी कंसर्न्स के आधार पे यदि हम डिवाइड करें तो मोटा मोटी हम यदि देखें तो हमारे पास चार कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न्स जो मोनोडिसिप्लिनरी का है, मोनोडिसिप्लिनरी का मतलब यह है, क्योंकि आज ग्रोइंग नीड है इसको समझने की, आज हमें सारे डिसिप्लिनरी कंसर्न्स को समझने की जरूरत है कि मोनोडिसिप्लिनरी जब हम एक ही अनुशासन जिसका एक डिफरेंट एक डेफिनेट बाउंड्री है, डिफरेंट एक सब्जेक्ट मैटर्स हैं, एक डेफिनेट उसका पेडागॉजी है, डेफिनेट उसका एक नॉलेज को जनरेट करने का और नॉलेज को वैलिडेट करने का, दोनों अलग अलग चीजें हैं, नॉलेज जनरेशन और नॉलेज वैलिडेशन। क्योंकि नॉलेज को जनरेट करना और उसकी सत्यता स्थापित करना, क्योंकि बहुत सारे ट्रुथ वैलिडेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, चाहे वो कोहेरेंस का मॉडल हो, चाहे वो प्रैग्मेटिक मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, उस मॉडल्स को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जब हम मोनोडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो मोनोडिसिप्लिनरी का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल, हम फिजिक्स के एस्पेक्ट्स को फिजिक्स के ही मेथोडोलॉजी से हम सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को हम केमिस्ट्री के जो डिफाइंड मेथड्स हैं उन्हीं को सॉल्व कर देते हैं, मोनोडिसिप्लिनरी है। लेकिन आप जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे इस वर्ल्ड का ये वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है, वैसे वैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिनरी इवोल्यूशन भी हुआ है, वैसे वैसे मेथड्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई है, और जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ है वैसे वैसे हमारी समस्याएं भी जटिल होती जा रही हैं। तो कभी हम एक समस्या को हम बहुत सारे डिसिप्लिन से सॉल्व करते हैं, लेकिन सारे डिसिप्लिन अपनी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। जैसे इकोनॉमिक्स की कोई समस्या है और इकोनॉमिक्स की समस्या में हमें मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हम कभी यूटिलिटी को साइकोलॉजिकल मॉडल से समझते हैं तो साइकोलॉजी वाले को बुला लेते हैं, जब हमें मैथमेटिकल मॉडल में समझना होगा तो मैथमेटिक्स वाले को बुला लेते हैं, और हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लेते हैं, और उसके बाद मनोविज्ञान वाले भी अपने फील्ड में चले जाते हैं और मैथमेटिक्स वाले भी अपने फील्ड में जाते हैं। लेकिन वो क्यों आए थे? तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है, साइकोलॉजी की भी अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है, और इकोनॉमिक्स की भी अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है। इस तरीके से जो ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। मीन्स क्या कि मिंगल होना सारे डिसिप्लिन को, और किसी एक समस्या के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट डिसिप्लिनरी टीम आती है, वो उसको सॉल्व करती है। लेकिन केवल मिंगलिंग से काम नहीं चलेगा, केवल एक साथ बैठने से काम नहीं चलेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंटीग्रेशन हो। तो एक नया एक अप्रोच आया जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि जब डिसिप्लिन डिसिप्लिन का जब ऐसा इंटीग्रेशन हो, ऐसा सिंथेसिस हो कि जिससे एक न्यू डिसिप्लिन एमर्ज हो जाए। जैसे आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे होम साइंस एक कंप्लीटली जहां पे एनाटॉमी भी पढ़ाया जाता, जहां पे फिजियोलॉजी भी पढ़ाया जाता, जहां पे टेक्सटाइल भी पढ़ाया जाता, जहां पे मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है, और एडुकेशन भी इसका बहुत बड़ा नमूना है, जहां पे
जब डिसिप्लिन अपने आप को एक दूसरे डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेट कर लेता है और अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। लेकिन वो आइडेंटिटी का वो खोना अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी हम यूजुअली कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इसमें बिजनेस भी है और इकोनॉमिक्स के भी गूढ़ तत्व हैं। हम माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रोस्कोपिक जगत के भी जो भी डायनामिक्स हैं वो भी हैं और बायोलॉजी के भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि दो दो विषय इंटीग्रेट हो रहा है। इस तरीके के अप्रोच को यूजुअली जो हम समझते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी के रूप में समझते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी, जब दो या दो से अधिक, जब डिसिप्लिन आपस में, जब एक इंटीग्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। और इंटरडिसिप्लिनरी का जो एक बेसिक फीचर है कि उसमें न्यू डिसिप्लिन एमर्ज होता है। उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है और जो मॉडल है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी का है, और आने वाला जो वर्ल्ड है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल का है। हम जैसा जानते हैं कि ट्रांस का मतलब क्या है, कि अक्रॉस, बिटवीन द टू, कंप्लीट एसिमिलेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंक्लूशन। जहां पे एक फिजिक्स के लेबोरेटरी में फिलॉसफी का भी बंदा होना चाहिए, केमिस्ट्री के किसी भी केमिकल को प्रोड्यूस करने से पहले उसमें एजुकेशन का भी साइंटिस्ट, फिलॉसफी का भी साइंटिस्ट, बायोलॉजी का भी साइंटिस्ट, सोशियोलॉजी का भी साइंटिस्ट, सभी जब तक अपने अपने एंगल से नहीं देखेगा कि इसके क्या प्रॉस और क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, तब तक आज हमने मोनोडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी से हमने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। लेकिन आज हमारे लिए सिरदर्द बन गया है। हमने मोबाइल प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया बहुत सारे डिसिप्लिन के इंटीग्रेशन से, लेकिन आज जो एक डिजिटल पॉल्यूशन है, जो आज एक नॉइज पॉल्यूशन है, जो आज एक माइक्रोस्कोपिक पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये जो डिजिटल जितने भी इस तरीके के जितने भी रेजिडुअल्स हैं उसको किस तरीके से, कहां पे हम उसको, उसका निस्तारण करें, उसका निक्षेपण कैसे करें, वो मॉडल आज हमारे पास नहीं है। हमने बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स ऐसे जो रेडिएशन के दृष्टि से भी बहुत खतरनाक हैं, हमने बहुत सारे रेडिएशंस आधारित लैब हमने बनाए, लेकिन आप देखें कि चाहे चेर्नोबिल की घटना हो, चाहे भोपाल गैस कांड हो, क्यों? क्योंकि वो केवल मोनोडिसिप्लिनरी और केवल मल्टीडिसिप्लिनरी के पे बेस्ड वो रिसर्च था। यदि वहाँ पे फिलॉसफी का भी बंदा होता, एथिक्स का भी बंदा होता, और यदि वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी का भी कोई बंदा होता, वहाँ पे यदि एजुकेशन का भी बंदा होता, तो शायद वो सबसे पहले इस कंसर्न पे ध्यान देता कि ये जो शोध है उसका बैड इम्पैक्ट क्या होगा। तो केवल लेटरल मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें क्रिस क्रॉस करने होंगे, हमें इंटरवोवन करना पड़ेगा, हमें अंतर्गुम्फित करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान अपने आप में समग्र है। हमें ट्रांसडिसिप्लिनरी, हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूजन से कम ताकत है, फ्यूजन में ज्यादा ताकत है, नाभिकीय संलयन में बहुत ज्यादा ताकत है नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा। जब हम टुकड़े टुकड़े में रहते हैं तो उतनी ताकत नहीं रहती। आप इमेजिन कीजिए कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे सस्टेनेबिलिटी कैपिटलिज्म को किस तरीके से, क्या मॉडल होना चाहिए, कैसे उसको निस्तारित किया जाना चाहिए, किस तरीके से
डेमोक्रेसी का कि कौन सा राइट मॉडल होना चाहिए। इस तरीके से केवल मटेरियल वर्ल्ड को बेनिफिशियल करने के लिए नहीं, वो जितने भी बेनिफिट्स हों वो बेनिफिट्स डेफिनेटली शुभ हों। और जब तक वो शुभ नहीं होगा तब तक ये प्रलयंकारी जो विभीषिकाएं हैं वो आती रहेंगी। इस तरीके से जब हम देखते हैं कि रिसर्च के डायनेमिक्स को जब आज हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है, तो हमें सबसे पहले पूरे विश्व के समक्ष ये रखना चाहिए कि किस तरीके से ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को, कि पहले किसी शोध करने से पहले उसके बैड इम्पैक्ट को जरूर हम देखें, उसकी शुभता को जरूर हम देखें, उसके एक्सियोलॉजिकल पॉइंट को जरूर देखें, उसके मूल्य मीमांसा के आस्पेक्ट्स को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि केवल ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंसेस से काम नहीं चलेगा, उसके एथिकल कंसर्न्स को भी देखना पड़ेगा। तब जाकर के शायद ओम शांति 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 का भाव पैदा होगा, तब जाकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव पैदा होगा। ये युग की आवश्यकता है। तो जो ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च है, आज हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि हम यूजुअली आप देखते होंगे कि ये टेक्नोलॉजी ने कम से कम एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यदि हम इसका ब्राइटर आस्पेक्ट देखें तो इसने पूरे नॉलेज को इक्विटी और इक्वालिटी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज हम कहीं भी हैं, आप कहीं भी हैं, लेकिन अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। जो व्यक्ति वंचित है किसी महाविद्यालय से और विश्वविद्यालय से, आज फेसबुक से व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर के आज वो सुन सकता है, देख सकता है। मीन्स क्या कि एक ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल किया है। ये एक ट्रांसडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है। इस तरीके से यदि हम देखें तो आज जो नई एक संकल्पना है क्रिएटिव कॉमन्स की, क्यों? क्योंकि हम पहले कॉपीराइट पे जीते थे, आज कॉपी लेफ्ट का जमाना है। आज हम मानते हैं कि ज्ञान पे, क्योंकि आज हम इस ज्ञान को, यदि हम किसी ज्ञान की रचना कर रहे हैं तो उस ज्ञान पे क्या केवल मेरा अधिकार है या ये पूरे इस पूरे कायनात का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है? डेफिनेटली पूरे समाज का अधिकार है। क्यों? क्योंकि इस समाज ने मुझे पैदा किया है। किसके रूप में? एक बौद्धिक, एक फेलो के रूप में, इंटेलेक्चुअल फेलो के रूप में इस समाज ने हमें पैदा किया है। क्यों? क्योंकि इस समाज ने हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड किया है, इस समाज ने हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था की है, इस समाज ने हमारे लिए कॉलेजेस की व्यवस्था की है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो कॉपी राइट का नहीं होना चाहिए, कॉपी लेफ्ट का होना चाहिए। क्रिएटिव कॉमन्स का होना चाहिए। ये जितनी भी क्रिएटिविटी, ये सब कॉमननेस के लिए होना चाहिए, सारे कॉमनैलिटी के लिए होना चाहिए। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ट्रांसडिसिप्लिनरी का भाव नहीं आएगा। तो आज शायद इसको नई दिशा जो दिया जा सकता है वो इंडिया द्वारा ही दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लर्निंग टू नो, चाहे लर्निंग टू डू, चाहे लर्निंग टू लिव टुगेदर, चाहे लर्निंग टू बी, ज्ञान योग, कर्म योग, सहयोग और जो आत्म योग है का भाव लिए हुए जो ट्रांसडिसिप्लिनरी जो रिसर्च के कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, जहाँ पे आज हमें सभी को इंटीग्रेट होना पड़ेगा, आज पूरे समाज को एकत्र होना पड़ेगा, आज हमें अपनी अनुशासनिक जो विधाएं हैं उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और आज का जो मॉडल होना चाहिए वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नहीं होना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट का होना चाहिए। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये किसी भी सभ्य समाज का मॉडल नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि ये एनिमल के लिए ये उपयोगी हो सकता है, लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है वो सर्वाइवल ऑफ द
फिटेस्ट के मॉडल को अप्रूव नहीं करता, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट के मॉडल को अप्रूव करता है, यानी कि जो सीमांत है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो ऑप्रेस्ड है, जो हैव नॉट्स है, उनको भी आज मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। क्यों? मुख्य धारा में हम तब तक नहीं लाएंगे जब तक हमारे अंदर संवेदना नहीं होगी, और संवेदना का पाठ पढ़ने के लिए हम जब तक हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम सोशल साइंसेज नहीं पढ़ेंगे, तब तक तो हम असोशल ही रहेंगे। तो आज जितने भी जो नेचुरल साइंटिस्ट जिसको कहा जाता है, हम कहते हैं वो नेचुरल साइंस है, मैं कहता हूं कि वो हाईली अननेचुरल साइंस है, क्योंकि यदि वो नेचुरल साइंस होता तो शायद प्रकृति के तादात्म्य के साथ, प्रकृति के सिम्बायोसिस के साथ, प्रकृति के सैनर्जी के साथ वो वर्क करता। ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये हाईली अननेचुरल साइंस है। जैसे कभी कभी हम सोशल नेटवर्किंग को सोशल कहते हैं, कभी कभी मैं उसे असोशल नेटवर्किंग भी कहता हूं, क्योंकि वो केवल वर्चुअल वर्ल्ड को वो प्रमोट करता है। वो एक सीमा तक तो सही है, लेकिन केवल वर्चुअलिटी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। मीन्स क्या कि आज नेचुरल साइंस को जितने भी साइंटिस्ट हैं, या जितने भी उनके डिसिप्लिन हैं, और या जितने भी, चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे जितने भी देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आज सबको एकत्र होने की जरूरत है और रीथिंक करने की जरूरत है कि एडुकेशन का मॉडल शोध का मॉडल, विनाश का मॉडल नहीं होना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मॉडल नहीं होना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट का मॉडल है। यह हमारी परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा हमेशा से रही है। हमारी परंपरा सर्वभूत हितो रता की, हमारी परंपरा आनो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वतः की, हमारी परंपरा ओम शांति शांति की, हमारी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का, वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपने संस्कृति से रूबरू नहीं होंगे, जब तक हम मानवता का पाठ नहीं पढ़ेंगे, जब तक ह्यूमैनिज्म को हम गले नहीं लगाएंगे, और ह्यूमैनिज्म के अकॉर्डिंग टू जब तक हम बिहेव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है आस्पेक्ट, ये इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी वक्त हो गया है, और आज अभी इसको अब बाइंड अप करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, संगीता कुमारी जी का प्रश्न है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मोनोडिसिप्लिनरी है, वो मोनोडिसिप्लिनरी एक सिंगल डिसिप्लिन को ही ध्यान में रखते हुए, एक उस बाउंड्री के तहत ही, विदिन ही कार्य करता है, वो अपने ही मेथोडोलॉजी का प्रयोग करता है। लेकिन जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हम करते हैं, तो किसी एक विषय की प्रॉब्लम को जब हम विभिन्न विषयों की मदद से सुलझाने का काम करते हैं, और लेकिन इसमें शर्त यही है कि ईच एंड एवरी डिसिप्लिन अपनी अपनी डिस्टिंक्टनेस को, विशिष्टता को बनाए रखता है, यानी कि एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे डिसिप्लिन मिलकर के सुलझाते तो अवश्य हैं, लेकिन डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी का भाव है। और इंटर डिसिप्लिनरी में हमने जैसा कि कहा कि ये दो या दो से अधिक डिसिप्लिन मिल करके एक नया साइनर्जेटिक इम्पैक्ट देता है, एक नए अनुशासन का, एक नए अनुशासन की उत्पत्ति होती है इस तरीके से। और जो ट्रांस डिसिप्लिनरी, जब हम पूरा का पूरा कन्वर्ज कर लेते हैं, पूरा का पूरा जब एक सारा अनुशासन अपने आप में समाहित कर लेता है, पूरे विषय को, पूरे अनुशासन को, पूरे शास्त्र को। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि पॉवर्टी को सॉल्व करना है, पॉवर्टी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं यदि पूछता हूँ कि ये मोनोडिसिप्लिनरी से होगा, या ये मल्टी डिसिप्लिनरी से होगा, या ये इंटर डिसिप्लिनरी से होगा, या ये ट्रांस डिसिप्लिनरी से होगा, तो शायद इसका जो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होगा वो डेफिनेटली ट्रांस डिसिप्लिनरी से होगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है सस्टेनेबिलिटी की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, या ह्यूमन बीइंग के जितनी भी सोसाइटल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो डेफिनेटली ट्रांस डिसिप्लिनरी से है, यानी कि ये मॉडल ऑफ कोलैबोरेशन का है, ये मॉडल ऑफ कोरोबोरेशन का है। इस तरीके से ये काफ़ी इसमें
क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन चूंकि बहुत इन्होंने कहा है कि कॉपी लेफ्ट जो है नीडफुल थॉट है, थैंक यू रुपेंद्र सिंह चौहान जी, ये प्रवीण कुमार तिवारी जी का है, आवश्यकता है कि भारत के शिक्षा शास्त्री एकजुट होकर शोध की भारतीय अवधारणा मानवीय अवधारणा को, डेफिनेटली प्रवीण जी मैं इससे एग्री करता हूँ, और जहाँ तक हम सभी एकेडमिशियंस या जितने भी लर्नर्स हैं, इन लर्नर्स को केवल हम प्रॉब्लम को बताएं नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करें, इस सॉल्यूशन के तरफ ही भी यदि हम एक नया मॉडल देंगे, तो शायद तब हम कह पाएंगे कि इस समाज के लिए हमने कुछ दिया है। क्योंकि प्रॉब्लम तो रेज कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को का एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना, कल्चरल कंटेक्स्ट में सॉल्यूशन देना, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं डेफिनेटली आपकी इन बातों से मैं बहुत एग्री करता हूँ। और फिर चंदन मिश्रा जी शायद मेरे स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने कहा है प्रभावी व्याख्यान, थैंक यू प्रदीप मिश्रा जी, बहुत अच्छा है, थैंक यू प्रदीप मिश्रा जी। प्रवीण कुमार तिवारी जी ने एक मैसेज है किया है कि योग की आवश्यकता है कि शोध शुभ लाभप्रद हो, डेफिनेटली मैं इसे एग्री करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक शुभता नहीं होगी तब तक ये केवल बिजनेस मॉडल पे नहीं चलेगा कि हमने इतना इनपुट दिया और इतना आउटपुट होगा, क्योंकि इसका आउटपुट कभी कभी बहुत ही अदृश्य होता है, और उस अदृश्यता को क्वांटिफाई करना संभव नहीं है, उसको मीन और मीडियन और मोड से हम मेज़र नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, और क्योंकि क्वांटिफिकेशन एक हद तक क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन उसका हम एक जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है उस प्रॉब्लम की, उसको शायद हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, विकास का मतलब है कि उसको पुनर्व्याख्यायित करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अभिषेक जी मैं एग्री करता हूँ। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब मैं जो एडमिन हैं शायद मुझे सुन पा रहे होंगे, वो जुड़े होंगे इस ग्रुप में। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मुझे लग रहा है कि उनके तरफ से भी शायद आदेश कहें, रिक्वेस्ट कहें, आ चुका है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक ऐसा विशद ये है जिसको इतने कम समय में समेटना बड़ा मुश्किल है, और कभी कभी इंटेलेक्चुअल जो वर्बोसिटी है, कभी कभी वो भी एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और जो ब्रिविटी है वो भी कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज़ों को बयां कर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, और हम लोग फ्यूचर में ऐसे ही मिलते रहेंगे। शायद कोरोना ने एक नई अपॉर्चुनिटी दिया है इस डेवलपमेंटल पैराडाइम को, रिसर्च पैराडाइम को, लर्निंग पैराडाइम को रीडिफाइन करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।